बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसे हरा धनिया या पुदीने की चटनी भी कहते हैं। तो चलिए हम ग्रीन चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने हरा धनिया लिया है आधी गड्डी, इसके साथ हमने पुदीने के पत्ते भी आधी गड्डी लिए हैं, हरी मिर्च 9 से 10 अदद, इमली का पल्प आधी प्याली, लहसुन के जवे 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून या फिर हसब ज़ायका। अब हम एक मिक्सर जग लेंगे और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना और इसके साथ इमली का पल्प भी शामिल कर देंगे। और प्याली में जो इमली का पल्प लगा रहेगा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिला के ये भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची हमने 2 हिस्सों में काट ली थी, ये भी डाल देंगे। लहसुन के जवे, सफ़ेद ज़ीरा, नमक डाल के कवर करेंगे जग को और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है। मशीन को रोक रोक कर चलाएंगे 2 से 3 दफ़ा ताकि अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ब्लेंड हो जाए और एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। और अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसे पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, कबाब के साथ, बारबेक्यू के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।